हाय गाइस, डे फोर में हम लोग कश्मीर का लोकल टूर किए। हम लोग आ गए सवेरे ये मुगल गार्डन। सभी लोग मिलके कुल्फी का मज़ा लेते हुए मुगल गार्डन में एंट्री हो गए। ये रहा मुगल गार्डन। इस मौसम में बहुत ही खूबसूरत पौधा लगा रखे हैं और इनका कटिंग भी इतना बढ़िया किया है, बहुत अच्छा लगता है दिखने में। यहाँ से सीढ़ी से थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ता है। ऊपर चढ़ने के बाद इस टाइप का नजारा आएगा। एक साइड में पूरा पहाड़ी, इस साइड में गार्डन है। बच्चे लोग तो इतना खुला गार्डन मिल गया, दौड़ दौड़ के पूरा दिन भर खेलता रहा वहाँ पे जब तक यहाँ पे थे। और इस साइड में कुछ कश्मीरी ड्रेस पहना के फोटो वगैरह भी खिंचवाते हैं वहाँ के लोग, बिजनेस कर रहे हैं। सभी लोग आते हैं यहाँ पे कश्मीर में तो यहाँ पे आके फोटो शोटो खिंचाते हैं बहुत लोग। हम लोगों ने भी खिंचवाए बच्चों का। देखो कितना मज़े से घूम रहा है मेरा बेटा। इधर मेरी बेटी को भेज दिया उधर ड्रेस पहनने के लिए। अभी भी जा रहा है कश्मीरी ड्रेस पहनने का यहाँ पे। ये रहा मेरी बेटी कश्मीर की कली। ऐसा लग रहा है कमेंट में बताना आप लोग। और इधर मेरा बेटा पठान बन गया। ये दोनों भी बढ़िया से फोटो शूट किए इधर। फिर हम लोग वहां से आ गए ट्यूलिप गार्डन। यही मौसम है इधर ट्यूलिप गार्डन में ट्यूलिप फूल देखने का, और इसी को देखने के लिए हम लोग कश्मीर का टूर इसी टाइम प्लान किया। ये 25 मार्च से ये फेस्टिवल चालू हुआ ट्यूलिप गार्डन में, ट्यूलिप फेस्टिवल 25 मार्च से 25 अप्रैल तक। ये एक महीने के लिए खुला होता है ये गार्डन, उसके बाद में ये जितना भी फूल है सब ख़त्म हो जाता है। फिर दूसरा रोज़ वगैरह ये सब अगला लगाता रहता है, लेकिन मेन इसी के लिए आए हैं। देख लीजिए कितना सुंदर है, हर एक फूल का रंग देखिए। इस साइड में ये पहाड़ी, इधर आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये है परी महल। इधर भी गए थे लेकिन कुछ खास नहीं है, साफ सफाई नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही खंजर जैसे पड़ा हुआ है। और इसी के बगल में है चश्मा साई, जिस जो जवाहरलाल नेहरू गार्डन नाम का भी नाम है उसका, जहाँ से जवाहरलाल नेहरू जी के लिए पानी आता था, पीने का पानी दिल्ली में ट्रक भर के पानी ऑटोमेटिकली मिट्टी के नीचे से निकल रहा है, चश्मा शाही बोलता है उसको। डे फाइव में हम लोगों को सोनमर्ग जाना था लेकिन हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। इधर ही घूमने के बाद फिर हम लोग वापस हो गए थे।
देख लीजिए रंग बिरंगे कितना सुंदर सुंदर ट्यूलिप फूल, दिखने में कितना अच्छा लग रहा है अलग अलग कलर के। सब लोग तो बहुत खुश हो गए, जी भर गया सबका, पब्लिक तो बहुत खुश हो गया ये फूल देख के, इतना सुंदर रंग बिरंगे फूल क्या बताएं। कुछ बीच में कुछ कुछ पौधा ये नया लगाया है, छोटा है लेकिन इसमें भी आ जाएगा, स्प्रे कर रहा है जल्दी फूल आने के लिए। फिर हम लोग शाम को आ गए शिकरा राइड के लिए, सब लोग मज़े से बैठ गए शिकरा में। यहाँ पे शिकरा में बार्गेनिंग करना पड़ता है, ये लोग बहुत उल्टा पुल्टा दाम मांगता है, तो थोड़ा बार्गेनिंग करेंगे तो सस्ता में मिल जाएगा। तो हम लोगों ने भी घुमा, ये लोग बोलता है 7 पॉइंट 8 पॉइंट घुमाएंगे, हमने तो उतना कुछ गया नहीं, हम तो सीधा बोल दिया भाई सिर्फ जो मीना बाज़ार है वही देखना है। तो अल्टीमेट हम लोगों ने देखा कि 7-8 पॉइंट बोलता है, पॉइंट वॉइंट कुछ नहीं है, सीधा घुमा के मीना बाजार का चक्कर मार के आ जाएगा, बीच में दिखाता रहेगा 8 पॉइंट 1 2 3 4 करके, और सब लोगों को पता नहीं होता है, पैसा लूटता रहता है। और ये रहा मीना बाजार, घूमते घूमते शाम हो गया था। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं, इसके बाद में हम लोग वापस हो गए अपने अपने घर के लिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट कोई वीडियो लेके आएंगे। बाय बाय।